बाड़मेर के बायंतू से भाजपा विधायक कैलाश चौधरी द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। कांग्रेस की मांग है कि या तो कैलाश चौधरी पर मुकदमा दर्ज किया जाए या फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की जाए। कांग्रेस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी से नाराज कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। अजमेर में भाजपा विधायक कैलाश चौधरी के खिलाफ मुकदमे की मांग कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एडिशनल एसपी का उनके कक्ष में ही घेराव कर लिया। इस अवसर पर आईपीएस चूनाराम और तेजस्विनी गौतम भी एएसपी के कक्ष में मौजूद थे। कांग्रेसियों ने तीनों आईपीएस अधिकारियों के सामने ही कक्ष के अंदर और बाहर धरना लगाकर रामधुनी शुरू कर दी। लगभग 3 घंटे तक सत्तारूढ़ भाजपा और जिला पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे कांग्रेसियों की क्लॉक टावर थाना प्रभारी रमेंद्र हाड़ा से झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने शहर भर की पुलिस को एसपी कार्यालय बुलवा लिया। कुछ ही देर में कलेक्ट्रेट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। एक बार तो हालात लाठीचार्ज के पैदा हो गए, लेकिन पुलिस ने अपने ऊपर कंट्रोल कर हुड़दंग को हवा देने से रोका। आखिर जांच का आश्वासन मिलने के बाद कांग्रेसी शांत हुए और अपने अपने घरों को लौट गए। हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ अशोक चौधरी ने टिप्पणी दी है, उसके खिलाफ जाकर हम यहां पर एफआईआर दर्ज करने की प्रेशर यहां पे बना रहे हैं। हमारे अध्यक्ष विजय जैन साहब और देहात अध्यक्ष, उन सबके नेतृत्व के अंदर जितने भी कांग्रेसी हैं, आज यहां पर एसपी साहब के दफ्तर में आए हैं और उन पर ये मेमोरेंडम भी दिया है कि उनके खिलाफ जिन्होंने इस तरह की टिप्पणी हमारे नेता के खिलाफ दी है, उन्हें एफआईआर दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया, उसमें एक कैलाश चौधरी को टिकट दिया गया, जो आज भी पुलिस का हिस्ट्री सीटर व्यक्ति है, और उस आदमी ने जिस तरह का बयान जारी किया इस देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर कि राहुल गांधी को लटका देना चाहिए, उसको उन्हें गोली मार देनी चाहिए। मुझे ये नहीं आता कि जो कहते हैं कि चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी ने अभी तक उस व्यक्ति को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अनुसार में भी कार्रवाई की जानी चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि उसको विधानसभा से भी निलंबित किया जाना चाहिए। माननीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के जो उपाध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अनगढ़ बातें करना, जो राजस्थान के विधायक ने जो अभी उनके लिए कहा, पहले अमित शाह जी ने भी उनके लिए ऐसे शब्द कहे, तो उन सबों से कांग्रेस को बहुत आघात पहुंचा है, कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है और उसके तहत पूरे राजस्थान के अंदर जो है कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन पत्र सौंप के ये निर्णय लिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसको गिरफ्तार की जाए, और अगर ये उचित कार्रवाई नहीं की तो हम निश्चित तौर पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम इस पे कार्रवाई करके 0 एफआईआर लॉस करेंगे और आगे जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में हमें सूचित कर देंगे, अगर उन्होंने नहीं किया तो हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जेएनयू मामले में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को नीचा दिखाने से बाज नहीं आ रहे। हर दिन एक ना एक पार्टी अपनी विपक्षी पार्टी के खिलाफ विरोध के स्वर मुखर करते हुए कभी पुतला दहन तो कभी सद्बुद्धि यज्ञ के जरिए एक दूसरी पार्टी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना में जुटे हैं, लेकिन भगवान किसी को सद्बुद्धि दे ही नहीं रहा। यही कारण है कि पिछले 10 दिनों से राष्ट्रीय और प्रादेशिक मीडिया में जेएनयू विवाद की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। शनिवार को पुष्कर में भाजपा मंडल के नेतृत्व में सरोवर के ब्रह्म घाट पर सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान आहुतियां देकर कांग्रेस के आला नेताओं को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।
देहात महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाए कांग्रेसी नेता अब देश का माहौल खराब करने में जुटे हुए हैं, लेकिन देश की जनता कांग्रेस के इन इरादों को भलीभांति समझती है। भारतीय संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु को फांसी दी गई और उसकी फांसी के तीसरे साल में जिस प्रकार साम्यवादी कट्टरपंथी ताकतों द्वारा विरोध किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से देश की एकता और अखंडता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात थी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस भारत को भारत माता मानते हुए इसे परम वैभव पर ले जाने की सोच के साथ काम करने वाला कार्यकर्ता है। देश के अंदर इस प्रकार देश की एकता और अखंडता पर जब कभी सवाल खड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निश्चित रूप से सड़कों पर उतरकर ऐसी साम्यवादी ताकतों का पुरजोर विरोध करेगा। विरोध की इसी कड़ी में ब्रह्म चौक में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंककर जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, मंडल अध्यक्ष पुष्कर भाटी, पालिका उपाध्यक्ष मुकेश कुमावत, पार्षद महेश पाराशर सहित अनेक भाजपाई मौजूद रहे। आज जन स्वाभिमान दिवस के रूप में जो प्रदेश नेतृत्व ने जो निर्देश दिए उसी कार्यक्रम की कड़ी के अंदर आज भाजपा युवा मोर्चा और पुष्कर मंडल ने मिलकर के देश विरोधी ताकतों, राष्ट्र विरोधी ताकतों जो अनर्गल बयान दे रहे हैं उसके खिलाफ आज कांग्रेस के राहुल गांधी का पुतला फूंका गया और एक विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस को सद्बुद्धि दे ये पुष्कर राज से कामना की गई ताकि बीजेपी जो देश हित के काम कर रही है वो आगे बढ़ती रहे।